वेल अगर दोस्तों आप नहीं जानते हो विदाउट इंटरनेट आप किसी भी बंदे को यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर अकाउंट नंबर के थ्रू आप किस तरह से किसी को भी पेमेंट कर सकते हो तो आप बिल्कुल ही सही जगह पे आए हो। बिकॉज दोस्तों आज के इस वीडियो में लाइव मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से आप विदाउट इंटरनेट किसी भी बंदे को यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर अकाउंट नंबर के थ्रू आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। तो वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल से वीडियो को मिस मत करना। तो चले कर लेते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग सेकेंड। तो दोस्तों विदाउट इंटरनेट पेमेंट भेजने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप सिंपली से कॉल करोगे एंड नेक्स्ट। चलिए मैं अभी लाइव आपको करके दिखाऊंगा इस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना क्या है किसी भी बंदे को विदाउट इंटरनेट पेमेंट भेजने के लिए। एंड हाँ दोस्तों एक बात और, अगर आपने आज से पहले कभी भी इस नंबर के साथ इस अकाउंट नंबर के साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं किया है तो फिलहाल जो तरीका मैं बताने वाला हूँ कि विदाउट इंटरनेट किसी भी बंदे को ट्रांसफर करने के लिए, मनी ट्रांसफर, पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, तो फिलहाल ये आप यूज नहीं कर पाओगे। उससे पहले दोस्तों अभी मैं आपको ऊपर में एक वीडियो सजेस्ट करूं, इस वीडियो को देखो, यहां पे मैं आपको मैंने बताया किस तरह से दोस्तों आप अकाउंट सेटअप कर सकते हो ऑफलाइन किसी भी बंदे को पेमेंट करने के लिए विदाउट इंटरनेट के, आप किसी भी बंदे को किस तरह से पेमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले वहां जाओ, वो सेटिंग आप एनेबल करो जो मैंने उस वीडियो में बताया, उसके बाद नेक्स्ट आप इस वीडियो को देखना, आसानी से आप ऑफलाइन विदाउट इंटरनेट किसी भी बंदे को पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना ही मेरा इंटरनेट ऑन है ना ही वाईफाई से कनेक्ट है, तो यहाँ पे अभी इंटरनेट से किसी तरह से भी मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं है। आपको सिंपली से इस नंबर पे कॉल करना है जो नंबर मैंने स्क्रीन पे आपको दिया था। सिंपली से चलिए इस नंबर पे अभी आपको कॉल करना है, उसके बाद आपको करना क्या है। रिचार्ज करें अपने मोबाइल को या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें इसी कॉल में बड़ी आसानी से। पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक दबाएं, अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए दो दबाएं, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए तीन दबाएं, हैश दबाएं अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए। सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आप 1 प्रेस कर दो आपको अगर किसी को पेमेंट भेजना है तो। मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए एक दबाएं, खाता नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए दो दबाएं, सिंपली से दोस्तों अगर आप नंबर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो 1 प्रेस करो, अगर अकाउंट नंबर के थ्रू करना चाहते हो तो आप 2 प्रेस करो। तो सिंपली से मैं 1 प्रेस करता हूँ। सिंपली दोस्तों आप जिसे भी पेमेंट करना चाहते हो उसका जो भी फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर जो भी है उनका, वो नंबर सबसे पहले आप एंटर कर दो। सिंपली से दोस्तों जो जिसमें ये नंबर, जैसे फ़ोन पे हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, तो यहाँ पे आपको बता देगा जिस पे ये नंबर लिंक्ड है। सिंपली से यहाँ से आप चूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 1 चूज कर लेता हूँ पेटीएम के थ्रू। सिंपली से जितना भी आप पेमेंट करना चाहते हो वो एंटर कर, जैसे मैं 5 रुपया एंटर कर देता हूँ। दोस्तों सिंपली से यहाँ पे वेरीफाई भी कर देता है आप जिसे पेमेंट करना चाहते हो उसका बैंकर का क्या नाम है। तो सिंपली से आप यहाँ से देख के सही है या फिर नहीं गलत, अगर सही है तो सिंपली से आप अपना यूपीआई नंबर यहाँ पे एंटर कर दो। सिंपली से दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है यहाँ पे मुझे मैसेज भी आ गया कि 5 रुपया इस नंबर पे भी गया है। तो इसी तरह से दोस्तों आप, जैसे मैंने अभी नंबर के थ्रू भेजा है, तो सिंपली से अगर आप अकाउंट नंबर के थ्रू भेजना चाहते हो तो वहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो एंड सिंपली सेम जिस तरह से इसमें मैंने यूपीआई एंटर किया, नंबर एंटर किया, उस तरह से वहाँ पे आप अकाउंट नंबर एंटर करके, अपना यूपीआई एंटर करके, अकाउंट जितना भी पेमेंट करना चाहते हो वो सब एंटर करके आप पेमेंट भेज सकते हो किसी भी बंदे को आसानी से।
तो दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो में जो जो स्टेप्स वगैरह मैंने बताया किस तरह से आप विदाउट इंटरनेट किसी भी बंदे को यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर अकाउंट नंबर के थ्रू आप किसी भी बंदे को किस तरह से पेमेंट भेज सकते हो, अगर इस सारे स्टेप को आपने अच्छी तरह से देखा है तो आई होप कि आप आसानी से अपने फ़ोन में विदाउट इंटरनेट किसी भी बंदे को पेमेंट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह के यूजफुल वीडियोस मिलते रहती हैं। एंड साथ ही अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कुछ और डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जैन इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।